आज पार्षद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना चुनाव भट्टी पर पार्षद अरविंद वर्मा पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का प्रकरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शित किया। कल कैंपियन स्कूल स्थित हॉकर्स कॉर्नर में हुए पार्षद अरविंद वर्मा ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर अभद्र व्यवहार किया है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई न करते हुए बल्कि पीड़ित परिवार पर ही FIR दर्ज कर दी गई। जबकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किस तरह महिलाओं ने परेशान होकर ये कदम उठाया है। वीडियो में आ रही आवाजों से भी स्पष्ट है कि पार्षद पिछले कई समय से अवैध वसूली कर रहे हैं। जो भी महिला इनकी अवैध वसूली में मांगी गई रकम नहीं दे पाती है, उनसे ये अलग तरह से फेवर की अपेक्षा रखते हैं, जिसको लेकर कल महिलाओं ने आपा खो दिया और पार्षद का खुलकर विरोध किया। परंतु दुख का विषय यह है कि थाने पर भी पार्षद ने महिलाओं एवं उनके परिजनों से अभद्रता की और थाना पुलिस ने भी राजनीतिक दबाव के चलते पीड़ित पक्ष पर ही FIR दर्ज कर दी। जबकि इससे पूर्व भी अरविंद वर्मा पर एक महिला को छेड़ने की FIR महिला थाने में पंजीकृत की गई है। अरविंद वर्मा शुरू से ही महिलाओं पर गंदी नजर रखते हैं। घटना पर संज्ञान लेते हुए पार्षद अरविंद वर्मा पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने एवं अवैध वसूली का प्रकरण पंजीकृत किया जाए। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं पार्षद की पिटाई लगा रही हैं। वो पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक तो चौथ वसूली करता है और महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है। कल जब ये पीड़ित परिवार थाने आया तो पीड़ित परिवार के विरुद्ध उल्टा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, जिसके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस और इस मध्य विधानसभा के सभी पार्षद यहाँ एकत्रित हुए और उनकी ये मांग है कि इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप पार्षद पर मुकदमा कायम करिए। दूसरी एक और यहाँ पर चर्चा ये हुई है कि पार्षद और मंडल अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से एक पुरुष को यहाँ पर मारा है, जिसका यहाँ CCTV फुटेज में रिकॉर्डिंग अवश्य होगी, जो TI मैडम ने अभी हमें नहीं दिखाई है। लेकिन हम मांग करते हैं उस मंडल अध्यक्ष पे भी मुकदमा कायम हो और सुमित पचौरी से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बच्चियों को बचाने की बात करती है, बेटियों को बढ़ाने की बात करती है, ये महिलाएं पिट रही हैं, आपका मंडल अध्यक्ष थाने में मार रहा है, आप कार्रवाई करेंगे सुमित पचौरी या उसको निरंतर मंडल अध्यक्ष बना रहने देंगे? यही हमारी मांग। आपका नाम? गौरव अवस्थी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, युवक कांग्रेस।